जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम के मार्गदर्शन में भिलाई 3 के स्वास्थ्य केंद्र में 12 से 14 आयु वर्ष के 60 बच्चों का टीकाकरण किया गया। वहीं इस स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण करने 2 दल बनाए गए हैं। 14 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सुपरवाइजर सैयद असलम ने नगर निगम 14 में 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन लगाने की जानकारी दी। इसके लिए 2 दल बनाए गए हैं। इस आयु समूह के बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 व UPSC 14 में प्रतिदिन कार्बोवैक्स टीका लगाया जा रहा है। भिलाई 3 की सेक्टर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्मृति पांडे ने सभी पालकों से अपील की है कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से कोविड वैक्सीनेशन कराएं, जिससे छात्र छात्र की परीक्षा के पूर्व वे टीकाकरण करा पाए। 12 से 14 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए जो नई गाइडलाइन आई थी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम के मार्गदर्शन में, कलेक्टर सर सर्वेश्वर भूरे सर के मार्गदर्शन में जिले में जिला अस्पताल में पहले टीका लगाया जा रहा था। उसके बाद फिर निर्देश मिले कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीके लगेंगे। उसके बाद फिर निर्देश मिले हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर लगेंगे। तो भिलाई 3 14 के अंतर्गत 2 दल बनाए हमने, जो भिलाई 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और 14 UPSC में टीकाकरण 12 से 14 वर्ष की आयु का होगा। कल हमने 60 बच्चों का भिलाई 3 अस्पताल में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को टीका लगाया है। रोज़ ये टीम बैठेगी। अभिभावकों से 40 वार्डों के मेरा निवेदन है कि सुरक्षित है टीका और सभी 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 अथवा UPSC अर्बन हेल्थ सेंटर 14 में भेजें, जहाँ ये टीकाकरण हो रहा है। और स्कूल चूँकि सत्र लग रहे हैं, इसके ये टीके सिर्फ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ही लगेंगे, इसलिए स्कूलों में नहीं लगेंगे। इसलिए अपने बच्चों को यहाँ पालक के साथ आधार कार्ड मोबाइल नंबर लेके आएँ और टीका लगाने के बाद आधा घंटा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रह के अपने बच्चों को घर लेके जाएं। सभी बच्चे लगाने के बाद सुरक्षित हैं और मेरी अपील है 40 वार्ड के सभी लोगों से कि टीका अवश्य लगवाएं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।